अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान खान और आप देख रहे हैं ट्रैवल एंड फूड। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि फिश मार्केट की सीरीज चली है, इस टाइम मौजूद हैं हम शफीक बंगला मार्केट के भी कहलाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फ़िश मार्केट कराची की चंद एक मार्केटें हैं जिनमें फ़िश ताज़ा और सस्ते मुनासिब मिलती है। जैसे नंबर वन पर आते हैं फ़िश मार्केट फिशरी, नंबर दो पे आती है इब्राहिम हैदरी, नंबर तीन पे मूसा कॉलोनी और नंबर चार पे आते हैं बंगाली बाड़ा शफीक मॉल में। तो मज़ीद इसके अलावा भी और मार्केट्स हैं, हम उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही वीडियो को लाइक करें। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा दोस्त, पहले तो मार्केट के दोबारा से एड्रेस कन्फर्म एड्रेस बताइएगा। ये बंगाली बाड़ा बफर जोन मछली मार्केट है। बफर जोन शफीक मोड़ भी लाते हैं? हाँ, शफीक मोड़ बोलता है नागन है। ठीक, ये हर मोड़ पड़ता है भाई। अच्छा मतलब ये सेंट्रल एरिया में? हाँ। चलो ठीक है। अच्छा कैटफिश है, सिंगाड़ा मछली है। हाँ, ताज़ा, इसको इंग्लिश में कैटफिश बोलते हैं। कहता है क्या हिसाब दे रहे हैं आप? ये भाई मुख्तलिफ रेट है, 500 बेचा 450 रुपये। 450 में दे रहे हैं? हाँ। मछली कौन सी है? ये रोहू है, करोड़ा है। रोहू क्या हिसाब है? सिंधी में करोड़ा बोलते हैं इसको। अच्छा जी, ये क्या हिसाब दे रहे हैं? ये 750 रुपये। 750। ये कौन सी मछली है? ये माशर रोहू है। माशर रोहू, ये कुछ थोड़ी गल पे माशाल्लाह देख रहे, ताज़ा पान है, इसका लेसपन भी नहीं है। अच्छा क्या हिसाब दे रहे हैं? ये 550 रुपये। अच्छा ये कौन सी बात? ये बाटा मुश्का है। ये क्या हिसाब है? ये 550। 550 रुपये, ठीक है जी। चलें इसकी तरफ है। ये कौन ये है? इसको बोलते हैं थैला। थैला माशाल्लाह ताज़ा माल है। ये 750 है, देने का 700 रुपये यार। ठीक हो गया जी। ये कौन ये काला कौन है? ये 550 देने का भाई 500 रुपये। 500 रुपये, ठीक है। काला है, दूसरा भी होता है वाइट कौन। ठीक हो गया जी। इसका दुमका हरा होता है। अच्छा ये कौन सी छोटी कौन? ये छोटी वाली है काला। ये कैसा है? ये भी 500। 500 ये सारा में। सारा में क्या हिसाब है? ये 500 है, साठ देने का 450। 450 हो जाएगा, ठीक हो गया। ये दहिया मछली है। ये क्या हिसाब? मार्केट वाला दंदिया बोल के बेचता है बड़े भाई। और ये है कौन सी? ये दंदिया है, दहिया है। दंदिया क्या हिसाब दे रहे हैं? ये 500 रुपये। 500 रुपये हो गए। ये छोटी वाली बताएं, ये कौन सी है? ये छोटी वाली धोतरी है। धोतर, ये क्या हिसाब है? ये 400 रुपये। 400 रुपये किलो, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ है, एकदम ताज़ा माल है। ठीक हो गया, इंशाल्लाह 12 महीना ताज़ा माल मिलेगा। चलें इसका बताइए। ये हमारा बंगाल का आइटम है, पंगाश। बंगाल का है? हाँ बंगाल का है, बीच बंगाल का है। क्या हिसाब है? ये 600 रुपये। ये कौन सी मछली है? पंगाश। पंगाश, ठीक हो गया। इसका ज़्यादातर फिंगर बनता है, बाहर मुल्क में ज़्यादा है। चलिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। साहब क्या हाल है आप? खैरियत से? माशाल्लाह, मोहम्मद इस्लाम नाम है मेरा। ठीक होगी जी। क्वालिटी फिश में है और बताएं, एक से एक क्वालिटी। अच्छा, में चलें, कौन कौन सी फिश आपके पास? अच्छा, ये कौन सी मछली पहले यहाँ से शुरू करते हैं? जी हाँ, ये भाई मुश्का बोलते हैं, असल नाम बाटा है। क्या हिसाब है? ये 700 रुपये। तो मुनासिब रेट भी बताओ ताकि लोग आपसे लें। 700 रुपये जायज। जायज है? जायज। चलें ठीक है। अच्छा चीज़ लेकिन ऐसा वांटेड, एकदम सुनहरा। ठीक हो गई जी। चलें इसकी तरफ। ये सुनहरी पापलेट और एकदम व्हाइट, कोई देख रहे? एक कांटे, एक साल के बच्चे को भी तो फ्राई करके वो भी खा जाएगा मजे। अच्छा, कौन सी मछली है? सुनहरी पापलेट। ठीक हो, क्या हिसाब दे रहे हैं? ये 1000 रुपये। 1000 जेन्युइन रेट बता रहा हूँ, ऊपर नीचे का रेट नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। ये ब्लैक पापलेट है? ये साफी ब्लैक पापलेट है। ये रानी पापलेट है काला वाला। ये क्या हिसाब है? ये 1100 रुपये। 1100 रुपये देने वाला 1000 रुपये। ठीक हो गया जी। चलिए नेक्स्ट की तरफ है, इसका बताइएगा। नेक्स्ट वाइट धोतर, एक नंबर धोतर। ये क्या हिसाब है? ये 1250। 1250, इस मछली से रेट का पता चलता है। ठीक हो गया। ये वाइट मछली है जो रेट का पता चलता है। वो एक ग्रेड माल है भाई, खुलेगा भी नहीं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। चले इसका बताइएगा। ये शहरी 1100 रुपये किलो, शहरी एकदम जिंदा फ्रेश 1100 रुपये। हाँ, डोरी का माल आएगा, चरना सुनहरे का गारंटी के साथ। ठीक हो गई जी। चलिए नेक्स्ट की तरफ आए। ये डांगरी, ये क्या हिसाब है? ये 1000 रुपये। 1000 रुपये जी। नेक्स्ट ये धोतर, टुकटिके वाला धोतर। धोतर ये 1000 रुपये किलो। 1000 रुपये किलो जी। नेक्स्ट माल ऐसा है, कभी बेची तो हो जाएगी ना कोई लेने आएगा, इसमें थोड़ा बहुत है, 50 रुपये कमी ही होगा। अच्छा चलें आगे चलें। ये हीरा 1200 रुपये किलो। 1200 रुपये, इसके शाइनिंग, इसके क्वालिटी, हर चीज़ देख सकते हैं। ये एक साल के बच्चे को देखो, पट्टी बांध दो आँखों में, वो खा जाएगा खचाखच। चले ठीक, अच्छी है सपना है जी। चले नेक्स्ट, ये गिस्सर हमोर 1000 रुपये किलो। चुनिया गिस्सर ना, ये चाया मछली है। ठीक हो गया, सही है, और जायका बड़ा असल। क्या ये कौन सी है? चाया। चाया क्या हिसाब दे रहे हैं?
ये 1150 1150 ठीक है माल, एक एक क्वालिटी सही। जी भाई ये भाई गोल्डन रोहू, गोल्डन रोहू। अच्छा गोल्डन दे कैसा भी है ये 700-650 रुपये का, मुश्किल 650 हो जाएगा। ठीक हो गई, चले आगे चले। इसके अलावा ये है चाया, चाया ये चाया इसके तो बता दी क्या हिसाब है चाया, ये 1050 से 1000 रुपये पड़ेगा, 1000 रुपये हो जाएगा। चले नेक्स्ट की तरफ है, ये है ये हो गया, आगे वाले चलते, इसमें चलते हैं। इसको इसको बोलते हैं थैली, थैली क्या हिसाब है, हाँ बिहारी जुबान में कतला रोग कहते हैं। ये 600 रुपये, 600 रुपये कम हो जाएंगे मजीद, 600 रुपये मुनासिब। ठीक है चले आगे चले, 650 ये रोहू एक नंबर, 600 जिसको लाल रोहू कहते हैं। क्या हिसाब है, 650 ये सर पड़ेगा 700 रुपये। चले आगे चले, ये ब्लड इसका अपना है या आर्टिफिशियल ऊपर लगा है? नहीं ये सिल्वर इसका अपना है। जी इसका अपना है, सिल्वर भी कहते हैं। अच्छा ये सिल्वर है जी, क्या हिसाब है? ये पड़ेगा 500 रुपये, 500 रुपये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलें, ब्लैक फुल चश्मा खोल के देखो नजर आएगा, क्या हिसाब है? 600 चल रहा है, 500 रुपये लगाऊंगा, 500 रुपये हो जाएगा। चलें ठीक है आगे चलें, ये है सारम, सारम ये क्या हिसाब है? ये 500 रुपये किलो, 500 रुपये क्योंकि मार्केट में इतने रेट चल रहे हैं यार, को मुनासिब कोई नहीं मिली अभी तक, यही रेट है। इसके तरफ आगे चलें, बाकी इसको कहते हैं जलेबी पापलेट, जलेबी है ये क्या हिसाब है? 600 रुपये, 600 रुपये मतलब ये जायके में ऐसे ही है, बेहतरीन है, समंदरी आइटम। चले ठीक आगे चले, इसके अलावा इसको कहते हैं छेड़ा दंदिया, दंदिया हाँ इसको मीठा पानी का दंदिया कहते हैं। ठीक है साहब है, ये पड़ेगा 700-650 रुपये पड़ेगा, 650 हो जाएगा। ठीक हो गए चले आगे चले, आगे आ जाए ये काला पापलेट, छोटा काला पापलेट है ये, सही ये क्या हिसाब है? 600 रुपये, 600 रुपये होगा। ये कौन सी मछली है? ये नहीं नया काली, इसको काकान कहते हैं, काकान जी। ये क्या हिसाब दे रहे हैं? 500 रुपये किलो, 500 रुपये इस छोटी वाली बताया कि ये मुश्का, ये क्या हिसाब है? 500 रुपये, 500 देगा। ठीक है इसके अलावा ये गिस्सर, गिस्सर ये क्या हिसाब है? 550, 550 इसको गेंगड़ा कहते हैं, गेंगड़ा ये क्या हिसाब है? सर ये 400 रुपये किलो, 400 रुपये ठीक हो गया। ये दिखा दिया आपको, अच्छा ठीक है। ये सिलेंडर मुश्का तीन दांत वाला, तीन दांत वाला मुश्का क्या हिसाब है? ये पड़ेगा 600 रुपये किलो, 600 रुपये ठीक है। ये भी हीरा क्या कौन नहीं है? इसको चकोरी कहते हैं, हीरे का नाम पे बिकता है, लेकिन इसको ज्यादातर लोग हीरा कहते हैं, ज्यादातर लोग हीरा बोलते हैं, पर ये है चकोरी। क्या हिसाब है? 500 रुपये से ठीक हो रहा है। प्रॉन्स के भी थोड़ा रेट बता दीजिए, ऊपर प्रॉन्स पड़े जम्बू प्रॉन्स है 1200 चला रहा, आपको ये 1000 रुपये पड़ेगा, 1000 रुपये किलो हो जाएगा। ठीक हो गया, ये है 500 रुपये किलो, 500 रुपये किलो होगा जी। ये 850 रुपये, 850 ठीक है। ठीक है आगे सब कम्प्लीट हो गया जी, जी बाकी फिंगर होता है खगे का, मुश्के का, धोकर का। अच्छा ठीक है सर, टाइम दे रहे, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बॉस? सर ये कौन सी मछली है? कौन सा? कतला रोहू। क्या हिसाब दे रहे हैं? क्या हिसाब दे रहे हैं सर? 500 रुपये। ये कौन सी है? डामर की सर, 500। ये अली मुश्का है, ये 600 रुपये। ये अली 800। ये अली दंदिया, क्या हिसाब है? 500 रुपये हो गए। ये छोटी मछली 350, ये किस हिसाब में, मतलब किस काम में आती है? फ्राई में, इसके कांटे वगैरह एक ही है। क्या हिसाब बताएं? 350। ये छोटी 250 है, 300 है, 300 हो गई। ये ले जाना भाई, 400 देना, 400। ये बताएं चार सौ, 400। प्राउंस को बताइएगा सर, 800 किलो, ये 800 बताया आपने, 400, ये 800 रुपये। ठीक है बहुत शुक्रिया बॉस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे बॉस? सर ये कौन सी मछली पड़ी है? ये भाई कुक्कड़ बोलते हैं, कुक्कड़। क्या हिसाब दे रहे हैं सर? 750, 700 रुपये हो जाएंगे फाइनली।
ये छोटे कौन, ये कौन है, ये 600 रुपए की, 600 हो जाएगी या कम हो जाएंगे मजीद, साढ़े पाँच सौ हो जाएगा। ये कौन सी दंडिया है, 600 रुपए हो जाएगा दंडिया इसका, 500 और ये ली बाटा, क्या हिसाब है, 600 इसका बताइए सर। ये दंडिया है 400 रुपए, दंडिया 400, ये बड़ी पॉपुलेट है, ये काला पॉपुलेट है, 1200 रुपए और ये ली आगे वाली झूला, ये 800, ये 400, बड़ा वाला 1000 रुपए, ये आपको 750 जाएगी, ये आगे वाली पॉपुलेट 450 ये कौन सी मछली है, ये संग्रह है, संग्रह संग्रह मछली, संग्रह क्या हिसाब है सर, ये 900 रुपए, 900 रुपए ये अली 200 है, 900 है, ये वाली 1000 रुपए, अच्छा ये 900 1000, ये कौन सी सर, ये भाई ईरानी काला बोलता है, ईरानी काला क्या हिसाब है, ये भैया 900 रुपए किलो, 850 रुपए, 850 हो जाएगा, अच्छा ये कौन सी है, इसको बोलता है डांगरी बोलता है, डांगरी क्या, ये 900 रुपए किलो, 900 ये अली, ये मुल्ला है, मुल्ला 1000 रुपए किलो, 900 रुपए किलो है, 900 हो जाएगी, ये कौन सी है, ये रहा है 600 रुपए किलो, 600 500 हो जाएंगे मतलब जी, अच्छा ठीक हो गया, ये कौन सी सर, ये बड़ा रोहू है, क्या हिसाब है, ये 750-700 रुपए तक हो जाता है, और ये कौन, ये काला कौन है, ये 500 रुपए किलो, 500 रुपए आगे, ये सारा सुरमा, ये 550 ये प्राउन का भी थोड़ा रेट दे दीजिए सर, सामने ये आपके बड़ा प्राउन पड़े हैं सामने, ये भाई 1000 बेचता है, 900 रुपए लगाएगा, 900 ये 2 किलो तो ये जो पड़े आपके, ये 750-700 रुपए, ये 400 रुपए किलो है, 400 रुपए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर ये कौन सी मछली है, सुरमई क्या हिसाब है, 400 ठीक है, ताज़ा है, ये कौन सी है, ये क्या हिसाब है, मछका 500, ये कौन सी है, सॉरी धोतर क्या हिसाब है, 350, ये कौन सी है, मछका क्या हिसाब है, 600 कौन क्या हिसाब है, 500 ये अली क्या हिसाब है, 400 सही, ये अली क्या हिसाब है, 500 क्या हिसाब है, ये कौन सी है, सिंगाड़ा 300 हो गए, ये दंडिया क्या हिसाब है, ब्लैक जी सर क्या हिसाब है, ये कौन सी मछली पड़ी है, मुश्का क्या हिसाब है, 450 हो, ये कौन सी है, कमांडो जी सर, ये कौन सी है, क्या हिसाब है, और ये हीरा 500 ठीक है जी, शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, फिर मिलते हैं किसी वीडियो साथ, तब के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद, नेक्स्ट एपिसोड के साथ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा है।